जी अस्सलाम वालेकुम अफजाल अहमद दुचा गल कर रहे हैं। हाँ जी की हाल है, ठीक ठाक हो और सारी खरीयत है, उम्मीद करना सारे ठीक ठाक होन दे। हाँ जी अज मैं इस टाइम किला दीदार सिंह आए हैं इतने एक शादी से, लेकिन इस टाइम मैं हूँ टाउन के खड़ा हो वहाँ अगे मैं उदो घरों होकर वापस मैं इस टाइम आ गया वहाँ। तो हूँ इस टाइम मैं किला दीदार सिंह का बहुत ही मतलब है ज़बरदस्त मशहूर मरूफ से बेहतरीन मतलब ये गार्डन बने हैं ताज गार्डन जिरे बिल्कुल सामने मैं इस टाइम खलोते हाँ। टाउन है बहुत ही प्यारा तो ज़बरदस्त टाउन है। इस वक्त मैं अपनी गड्डी इतने खड़ी की थी, इतने नाल मेरे पीछे चाचू के पुत्र ने उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इतने स्टोर बनाया है दुछा। यह सामने तुम वेख रहे हो दुछा सुपर स्टोर, बहुत ही ज़बरदस्त वी आई पी स्टोर है करियाने का, काफ़ी व्डा है जोड़ा इस टाइम ये चला रहे ने। ये मेरे चाचू के बेटे ने अमजद दुछा साहब, इस टाइम मैं और बिल्कुल सामने खलोते हैं और उत्ते उन्होंने नाल स्टडी अब्राड मतलब ये वीजा का ही मतलब है काम मतलब नाल लड़का हो रहे जोड़ा कर रहा वे जी। बहुत ही बेहतरीन तो सुपर स्टोर बने हैं दुछा सुपर स्टोर, यू इस टाइम मैं सामने बिल्कुल इतों नज़र आ रहा जी दुछा सुपर स्टोर। तो प्रोपराइटर ने तनवीर अहमद दुछा साहब उन्होंने व्डे भाई ने जी। इस टाइम नूरपुर रोड के उत्ते वे ताज गार्डन जिरे बिल्कुल मैं सामने इस टाइम मेन गेट के उपर खड़े हाँ। हाँ जी एवेको बहुत ही ज़बरदस्त वी आई पी किस्म का ये गार्डन बने हैं, तुहानू इस तो अगे भी जाके अस विखाने मेन इंट्रस है जिथे मैं इस टाइम खलोते हाँ। यह मैं हाँ जी ए बिल्कुल मेन इंट्रस है जिथे मैं इस टाइम खलोते हाँ। तो असी अंदर की तरफ जाने तो थानू यहाँ सारा व्यू जोड़ा ज़बरदस्त यहाँ व्यू भी विखाने जी। इस टाइम मैं ये ताज गार्डन के अंदर मेन इंट्रस के सामने जा रहा वहाँ। देखो इस टाइम बहुत ही प्यारा तो ज़बरदस्त एरा मेन इंट्रस के व्यू एरा बने हैं, काफ़ी मतलब ज़बरदस्त एरे रोड ने। मेन इंट्रस से वेखो जी ज़बरदस्त गुलाब के ना दस्ते फुल शुल उत्ते बहुत सजावट किस्म की लाई है। यह मेन एंट्री है कैमरे शैमरे लगे ने। मैं इस टाइम नाल है बगीचा है जिसे साइड से जा रहे हैं। इस टाइम मेन रोड है डबल मतलब रोड जा रहा 3-3 फुट का वन वे ना रोड बनाए ने। हूँ मैं इस टाइम नाल गार्डन है बगीचा बने हैं जिथे मैं इस टाइम जा रहा वहाँ। वेखो मेन तो पिछे बहुत ही वी आई पी ज़बरदस्त किस्म के उन्हें रोड बनाए ने। हाँ जी हूँ मैं इस टाइम अगे नाल एक बगीचा बने हैं बहुत ही प्यारा तो ज़बरदस्त जिरे बच्चे इस टाइम मैं जा रहा। शाम का टाइम है बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। हाँ जी वेखो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है तो बहुत ही मज़ा इस टाइम आ रहा। मैं क्या चलो अज मैं इस टाइम इतने बाहर आई साइड से निकलिया तो नाले अज का व्लॉग मैं इतने सारा असं इतें बनाने किला दीदार सिंह आए हैं। हाँ जी ताज गार्डन के बहुत ही ज़बरदस्त है बहुत ही प्यारा है मतलब है ताज गार्डन जड़ा ये बने हैं। इस टाइम इस तो पहले इतने काफ़ी मतलब मेरी ज़बरदस्त लोकेशन तो हर किस्म की है। इस टाइम मैं मेन बगीचे दे रहे मेन है जड़ा इस तो किला दीदार सिंह तो अंदर निकल गया नूरपुर रोड है जिसे असी पिछे जाके अगे नूरपुर रोड है नाला शैलर है जिथे खलोते हैं। तो सामने नाल अगे नूरपुर पिंड है लेकिन इस साइड के सारा पिछे किला दीदार सिंह काफ़ी मतलब मार्जिया बनिया ने बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। इस टाइम मैं इस टाइम मेन इंट्रस से खलोते हाँ वहाँ तो नाल ही बहुत ज़बरदस्त एक छोटा जहा मतलब बगीचा बनया जिसे इस टाइम मैं खलोते हाँ वहाँ। बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त है पिछे जरा सुपर स्टोर है वह भी वेखो पिछे तो सारा पिछे नज़र आ रहा है बहुत ही प्यारा तो व्यू एरा ज़बरदस्त लग रहा है। ए ना मेन सिटी जड़ा एरा सारा ए ज़बरदस्त मेन रोड के उत्ते नाल वेखो इन्हें बहुत ही प्यारे तो ज़बरदस्त ना ए बगीचे लाए ने काफ़ी सजावट वाले फुल लाए ने। और थोड़ी देर तो दे सामने तुहानू अगे शायद नज़र आ रहा या नहीं आ रहा किला का बहुत ही मशहूर मरूफ मतलब इतने जड़े मार्किया बनिया ने और पंजाब कॉलेज भी है सामने नाल किला मार्की है ताज मैरिज हाल भी ने सारे जड़े बने ने। तो इस टाइम असी किला दीदार सिंह दो जरा रोड आ रहा है तो नज़र आ रहा है तो यह ही सीधा नूरपुर रोड नू जा रहा है। तो इस नूरपुर रोड के उत्ते ही है जिथे असी खलोते हाँ यह जरा ताज गार्डन बने हैं। हाँ जी ए मेन ताज गार्डन है काफ़ी ज़बरदस्त रही लोके अगर किसी ने आदमी ने या किसी भैन भाई ने किसी ने भी अगर प्लाट या अच्छी पुरफजा माहौल वास्ते इन्वेस्टमेंट करनी हो मतलब कोई अपना बेहतरीन घर बनाना हो
तो तुम पिछे इतने ताज गार्डन के लै सकते हो। बहुत ही जबरदस्त तो आला किस्म का, क्योंकि मैं इस तो पहले इतने काफ़ी दफा फिर के वेख चुके हैं, सारा इतों का विजिट कर चुके हैं। बहुत ही प्यारा मतलब टाउन बने हैं। अगर किसी ने रिहायश वास्ते सैपरेट लहदा जगह मतलब जिथे पुरसकून माहौल लैना हो तो तुम इस टाउन जगह लै सकते हो ताज गार्डन के। इस तो अगे थोड़ा ही चौधरी मोहम्मद अशरफ बड़ैज साहब ने उन्हों का अगे गार्डन सिटी किला जोड़ा उन्हें शुरू किए है, बहुत ही जबरदस्त वह भी है। इन्हों के मेन मतलब है ताज गार्डन दे गार्डन सिटी हाउसिंग स्कीम जी उन्हें शुरू इस तो अगे भी की है। यह उन्होंने सारे ऑफिस ने, हाँ जी ए बिल्कुल बने ने, बहुत ही प्यारा तो जबरदस्त किस्म के इतने बगीचे ने। इतों बहुत ही प्यारे तो प्यारे गुलाब दुना फुल भी लाए ने। वेखो जी ए तो अगे जाके बहाने बहुत प्यारा मतलब गुलाब के फुल लाए ने, बगीचे बने ने। ए मैं तो वो चीज़ बहा रहा जी ताज गार्डन के अंदर वड़द्या ही मेन इंट्रस्ट के ने, ठीक है जी। ए बिल्कुल फ्रंट के उत्ते ही ने, तो वो जो चाचू के बेटे तुम अगे बहाए ने जो दूसरा सुपर स्टोर है वह भी बिल्कुल फ्रंट के उत्ते वे। एल उन्हें बहुत ही प्यारे प्यारे जबरदस्त बगीचे बनाए ने जिथे इस टाइम मैं खड़े हाँ। हाँ जी हूँ इस वक्त मैं इतने 5 मिनट मैं खा जरा को रेस्ट करने हैं, उत्थे मैं अपनी ब्लैक ब्यूटी खड़ी करके आया वहाँ। ऐ हूँ मैं इस टाइम बहुत ही खूबसूरत प्यारे गुलाब के फुल ने, शाम का टाइम है, बहुत ही मज़ा आ रहा, बहुत ही जबरदस्त इन्हों की खुशबू भी है। तो मैं इस टाइम मैं क्या चलो 2 मिनट थले बैठने हैं, जरा थोड़ा जहा रेस्ट भी करने हैं तो नाले इंजॉयमेंट भी करने हैं। हाँ जी इस टाइम बहुत ही जबरदस्त मज़ा आ रहा है, लेकिन मैनू देर भी हो रही है, मैं अपने मतलब पिंड जाना है लुणपुर। हाँ जी तो मैं क्या 5 मिनट तक चलो इतने बहने बगीचे के नाले अपना वलोग इतने मुकम्मल करने हैं, बनाने हैं अज का मुकम्मल जी सा मसरूफियात जोड़ा वलोग भी है सारा साडा इतने इस ताज गार्डन पर ही है जी। इस टाइम मैं इतने किला दार सिंह के आए हैं ताज गार्डन सिटी के जी। बहुत ही जबरदस्त आला किस्म का तुम्हें इस तो पहले भी यहाँ मुकम्मल तारफ करवा चुके हैं, तो हूँ इस टाइम मैं बगीचे के बिल्कुल सामने मैं बैठे आवं जी। हाँ जी उस वक्त मैं उदे अपना पार्क के खड़े आ सूँ इस टाइम मैं मेन इंट्रस्ट तो अगे आ गया वहाँ। मैं तुम्हें इतों की मुकम्मल लुक बहाने असी देखो इस मेन रोड के उत्ते डबल रोड है 3-3 फुट का, 3 फुट इस साइड दे 3 फुट इस साइड दे। कम अज़ कम यी अगे 25 km लिमिट है जी जी अगे नू जा रही है, मतलब तोड़ पिछे कम अज़ कम 1.5 किलोमीटर का यह फासला है सारा। ए वेखो इतने बहुत ही जबरदस्त किस्म के मतलब मकान तो कोठियां बनिया ने। यह हूँ मेन इंट्रस्ट है, कम अज़ कम इस रोड के उत्ते जिन्ने टोटल आल टू आल मकान या कोठियां बनिया ने, यह तुम समझो कि इस मेन रोड के उत्ते 3 फुट इस साइड से रोड है तो 3 फुट द इस साइड से रोड है। मेन दे 7 फुट का वेखो जी एक फुटपाथ बनाया है तोड़ लाइन का, ठीक है। लेकिन फ्रंट की इन दी वे कि इस मेन रोड के उत्ते जिस बंदे भी अगर प्लाट लैना है तो एक कनाल तो मतलब एक घाटे प्लाट नहीं मिल सकता। इस तो पिछे बैक से अगर तुम लेंगे हो दूजे फे मतलब पिछली साइड के दूसरे मतलब रोड से या पिछे इस तो हट के लेंगे तो तुम्हें 10 मरला मिलेगा, 5 मरला जरा बिल्कुल इस साइड पर है ही नहीं। ए जिन्ना टोटल इस रोड तो ये 1.5 किलोमीटर का फासला है, जिन्ना भी हेरे से जोड़ा बंदा भी मतलब को खरीदना चाहता है देखो एरे ते तुहानू एक कनाल का ही प्लाट मिलेगा, तुहानू 10 मरला 5 मरला एरे ते नहीं मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट लोगों इतने की थी, काफ़ी कोठियां बनिया ने। फिर सब तो वड्डी खसूसियात इतने वे इतने इस टाइम गैस भी आ चुकी है, तो बिजली और गैस इस टाउन वाले ने मुकम्मल मतलब इतने करवा दी है, तो बेहतरीन इतों का माहौल तो जबरदस्त इतों का माहौल है। क्योंकि 5 मरला अगर कोई भी बंदा प्लाट लैना चाहता है इस तो पिछे मतलब सारी सोसाइटी है पिछे वाली साइड से 5 मरला ए मेन रोड के उत्ते कम अज़ कम एक कनाल का प्लाट मिलेगा। हाँ जी बहुत ही VIP जबरदस्त ये मतलब बने हैं। ए वेखो बेच फुटपाथ बहुत जबरदस्त किस्म का है, इस टाइम उन्हें ताज़ा बिल्कुल पानी लाया, खुशहाली है, बहुत ही प्यारा है। मेरा दिल करता है कि जिस तरह का ये मतलब टाउन बने हैं, जिस तरह की ये मतलब मेरी लोकेशन है कि बंदा इतें ही रवे तो इतें ही मज़ा लवे। क्योंकि वेखो जी टाउना का सब तो वड्डा मेन यही होंगे, बहुत फायदा यही होंगे कि तुम मतलब ये खुले खुले 30-30, 40-40 फुट के रोड मुकम्मल बने ने जेडे तुम इस टाइम मतलब एरे में पाए गए ने। तो सब तो इस तो अगे मेन जी थानू टाउन की गल हों देखो जी इन सुबह थले तो लैके तो तोड़ उपर तक थले मतलब एंड तो जमीन की सतह तो लैके तो तोड़ उत्ते फ्लोर एंड तक
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਰੱਖਣਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਥੱਲਿਓ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਛੱਤਿਆ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਛੱਤ ਲਿਆ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏਰੀਆ ਹਾਈਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਕਾਇਦਾ LDA ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ VIP ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾਨਾ ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰੁਪਈਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸੁਬਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਬਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਨਵਾਬ ਮਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਬ ਮਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾ ਰਿਹਾ VIP 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਡ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ 20-20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਆ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲਾ ਅੰਤ ਸੁਬਾਨਾ ਕੰਨੀ ਕੁਨ ਤੁਮ ਮਿਨ ਨਾਲ ਜ਼ਵਾਲੇ ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਸਵਾ ਕੋਈ ਮਹਬੂਦ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਚੌਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ 100 ਕਦਮ 'ਤੇ 100 ਗਜ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਮੇਨ ਚੌਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਬਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋ 30-30 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਡ ਕੱਢੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਜ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਰ ਫਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਰ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਾਊਨ ਹੈ ਤਾਜ ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ VIP ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਜ ਗਾਰਡਨ ਬਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੋਨਪੁਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅਗਰ ਰੈਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਜ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਓਕੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।